मुनिवर, एक बार रत्नसुई को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद विश्राम करेंगे। प्रभु ने हमें मार्ग दिखा दिया है, अर्थात रत्ननिधि का संबंध ग्रहों और नक्षत्रों से है ना, तो निश्चय ही ये टूटे हुए तारे रत्ननिधि की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि रत्नासुर रत्ननिधि का प्रयोग करके सभी ग्रहों और नक्षत्रों की शक्ति ग्रहण कर रहा है। रत्नासुर को ढूंढने चले हैं मूर्ख। वो जानते नहीं कि मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। नारायण नारायण। मुनिवर शीघ्रता से अन्यथा रत्नसुर समस्त आकाश को नक्षत्रों से रिक्त कर देगा। जिस गति में ये तारे गिरे ना बालनमान, मुझे नहीं लगता इसके पश्चात आकाश में कोई भी तारा बचेगा, और जो बचना होगा वो आपकी गति के कारण नहीं बचेगा। अब बालनमान, इससे शीघ्र तो तभी मुमकिन है जब रत्नसुर स्वयं तारों की गति से अपनी ओर खींच ले। बालानुमान, आप जब जब मुस्कुराते हैं मुझे बहुत डर लगता है। आप क्या सोच रहे हैं बालानुमान, बताइए क्या सोच रहे हैं आप? वही जो आप सोच रहे हैं। यदि रत्नासुर स्वयं अपनी ओर हमें खींच ले तो? नहीं नहीं बालानुमान। कह दीजिए कि आप ये नहीं करेंगे बालानुमान, नहीं। मार डाला बालानुमान। अब असुर रत्नासुर मेरा क्या बिगाड़ेगा, आप ही ने मुझे मार डाला। मुनिवर, धीरे बोलिए। रत्नासुर कहाँ है? रत्नासुर हो रहा कहाँ हो रहा? रत्नासुर मनुज नहीं बलवान, समय हो तो बलवान। वाह, आपने सत्य कहा था प्रभु, इस मूर्ख ने तो स्वयं ही खुद को उजागर कर दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी तक तो ये छिपा हुआ था, किंतु प्रभु अब तो ये सबके सामने आ गया है और उजागर भी हो गया है। लेकिन प्रभु, इसके माथे पर तनिक भी चिंता की रेखा नहीं। दंभ रत्ननिधि के कारण, रत्ननिधि के घमंड के कारण। घमंड कैसा? देवी, घमंड मूर्खता पूर्ण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि सभी ये जानते हैं, फिर भी सभी घमंड कर बैठते हैं। किंतु इसे किस बात का घमंड है प्रभु? रत्ननिधि द्वारा अर्जित समस्त ग्रहों और नक्षत्रों की शक्तियों को इसने प्राप्त किया है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा ये नारद और हनुमान को पराजित करने का स्वप्न देख रहा है। तो क्या ये नारद और हनुमान को परास्त कर देगा? समस्त ग्रहों और नक्षत्रों की शक्तियों के आगे तो नारद और हनुमान भी टिक तो नहीं पाएंगे। तुम दोनों मूर्ख बालक फिर से यहाँ आ गए। आप हमें पहचानते हैं? मुनिवर, पहचाना नहीं, ये वही सन्यासी है। हाँ बाल हनुमान, तुम वही हो ना जो सारंग की ताल गलत बजा रहा था? मैं सारंगी पर सही ताल निकाल रहा था। गलत, 100% गलत। सारंगी की ताल भी गलत और जो तुमने हमें मार बताया वो भी गलत। मार्ग तो रत्नासुर ने तुम्हें गलत ही बताया था, किंतु जानते हो वो गलत मार्ग ही तुम दोनों के लिए सही होता, क्योंकि सही मार्ग पर तो तुम दोनों आ ही गए हो, लेकिन यहां से वापस नहीं जा पाओगे। हुआ, हुआ, मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। बाल हनुमान, ये रत्नासुर है ना, बहुत हंसता है और हुआ, मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ करता रहता है। रत्नासुर, माता लक्ष्मी द्वारा प्रदान रत्न निधि हमें लौटा दो और उसके बदले हम तुम्हें जीत छोड़ेंगे। नारायण नारायण, तुम दोनों मुझे जीवित छोड़ोगे? हाँ, सुनो बालकों, तुम दोनों तो मुझे जीवित छोड़ दोगे, लेकिन रत्नासुर तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। हुआ, मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। हो गया रत्नासुर, अब बाल हनुमान की शक्ति देख। बाल हनुमान, कर दो इसका अंत। प्रभु, रत्न निधि को तो हनुमान और नारद वापस ले आए, किंतु हमें एक बात समझ में नहीं आई। आपने हमें कहा था कि समस्त ग्रहों और नक्षत्रों की शक्ति के सामने निश्चय ही हनुमान और नारद रत्नासुर के समक्ष टिक नहीं पाएंगे। हाँ, अवश्य कहा था देवी लक्ष्मी। तो प्रभु, हनुमान ने रत्नासुर का अंत कैसे किया? आपके इस प्रश्न का उत्तर मुनिवर नारद देंगे। इस प्रश्न का उत्तर बाल हनुमान देंगे। ऐसा इसीलिए देवी, वो मूर्ख नक्षत्रों की शक्ति कहाँ ग्रहण कर पाया? उससे पूर्व ही वो हमसे टकरा गया और हमसे वाद विवाद में उलझ गया और नक्षत्रों की शक्ति करना भूल गया। तो विलंब किस बात का देवी? रत्न निधि को स्थापित कर इस संसार का कल्याण करें। अवश्य नारद। आप दोनों अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? किंतु प्रभु, हम तो अभी अभी आए हैं। तो क्या हुआ? जाइए, संसार आपकी राह देख रहा है। अभी तो आप दोनों को कुंद, मुकुंद और पद्म निधि को भी स्थापित करना है। किंतु प्रभु, वो तो देवी, किंतु परंतु कुछ नहीं। अभी तो केवल कुंद, मुकुंद और पद्म निधि को स्थापित करना है। जाइए आप लोग, जाइए। जो आ गया प्रभु। हमें पता है आप क्या जानना चाहती हैं। यही ना कि कुंद, मुकुंद और पद्म निधियां तो आपके पास हैं, तो फिर मैंने इन्हें कहां भेज दिया? और क्यों भेज दिया? बिना परिश्रम के पाए हुए फल का कोई मोल नहीं। ठीक उसी प्रकार बिना अर्जित किए हुए ज्ञान का कोई लाभ नहीं और बिना परीक्षा पार किए निधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि कुंद, मुकुंद और पद्म निधियां आपके ही पास हैं देवी, तो इनकी परीक्षाएं भी आपको ही लेनी है देवी। अवश्य प्रभु, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। अरे शीघ्र कीजिए। क्या हुआ मनिर, आज आप बड़े उत्साहित लग रहे हैं। हाँ बाल हनुमान, ये तीनों निधियों को प्राप्त करना मेरे लिए अति आवश्यक है। आपके लिए? किंतु आप तो संसार कल्याण के लिए नौ निधि प्राप्त करने चले थे ना। चला तो था बाल हनुमान, किंतु अब इस संसार का मैं भी तो एक भाग हूँ ना। इस संसार के साथ साथ यदि मेरा भी भला हो जाए तो। आपका क्या भला? और कुछ नहीं बाल हनुमान, बस मैं पुनः बड़ा होना चाहता हूँ। इतने निस्वार्थ कार्य के लिए इतना स्वार्थपूर्ण विचार, क्या अपना आकार वापस पाने की इच्छा रखना स्वार्थ है बाल हनुमान? अवश्य। क्या अपने ही कोई वस्तु ढूंढना स्वार्थ है? निसंदेह। यदि ये स्वार्थ है तो है, इतना भी निस्वार्थ ही नहीं हूँ मैं। लगता है उस ओर कोई स्त्री रो रही है, चलिए चलकर देखते हैं। हाँ। वहाँ पर चलिए। रुक जाइए माता। हाँ मुनिवर, इसे देख के आइए। करने जा रही थी देवी? मृत्यु। मर जाने दीजिए मुझे मेरे पुत्र के साथ। आप नहीं जानती देवी कि इस तरह आत्मदान घोर पाप है? पाप और पुण्य में कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती कि मैं मेरे पुत्र के प्राण नहीं बचा सकी। इसकी मृत्यु की उत्तरदायी स्वयं मैं हूँ, इसीलिए मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हम आपके पुत्र की भांति नहीं है माता? पुत्र की भांति हो, किंतु मेरा पुत्र तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मैं जीकर भला क्या करूँगी? हम आपको ये घोर पाप कदापि नहीं करने देंगे। ठीक है, आप मुझे रोकें, किंतु मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कब तक रोकेंगे और कैसे रोकते हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं माते? जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। जिसके लिए आप रो रही हैं, वो तो मात्र एक शरीर है। सत्य कहा बालमुनि आपने, ये शरीर एक मिथ्या है, इसीलिए इस मिथ्या को दूर कर अपनी आत्मा को मुक्त करने जा रही हूँ। तब तो मुझे मेरे बालक से कोई दूर नहीं कर पाएगा ना, कोई दूर नहीं कर पाएगा मुझे मेरे बालक से, कोई दूर नहीं कर पाएगा मेरे पुत्र से। मुनिवर, पुत्र मोह में छुट्टी हुई माता है ये तर्क भीतर से हमारी बातें नहीं मानेगी। तो फिर कैसे मानेगी बाल हनुमान? अब तो यही कि मार गया मुनिवर। क्या बाल हनुमान, हमें इनके पुत्र को पुनः जीवित करना होगा मुनिवर। या क्या कह रहे बाल हनुमान? यदि हमने आज इन्हें बचा भी लिया तो कल ये अपने फिर प्राण त्यागेगी। एक निराश माता को बचाने का और कोई मार्ग नहीं दिखता है मुनिवर। पुनर्जीवित कर देंगे? ऐसे कैसे किसी को पुनर्जीवित कर देंगे? अब जब बाल हनुमान कह रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। एक बात बताइए सुदर्शन देव, यदि यूं किसी को पुनर्जीवित करना संभव होता तो क्या कोई मृत्यु को प्राप्त होता? सब मरते और फिर जीवित हो जाते। किंतु अब हम क्या करेंगे? हाँ, और क्या कर सकते हैं? प्रतीक्षा करते हैं, स्वयं ही सत्य का पता लग जाएगा। मुझे तो ये भी मार्ग नहीं दिख रहा बालानुमान। हम भला किसी को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं? इनके पितृ के मृत शरीर में आत्मा का पुनः प्रवेश कराकर और कैसे होगा ये प्रवेश? इनके पुत्र की आत्मा पुनः कैसे वापस आएगी? इनके पुत्र की आत्मा नहीं आएगी मुनिवर। है? तो फिर नहीं बालानुमान, यह संभव है। अब केवल यही संभव है मुनिवर। किंतु इसके लिए तो आपको अपने प्राण त्यागने होंगे बालानुमान। यदि मेरे अकेले के प्राण त्यागने से दो जीवन बचते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा मुनिवर? यदि यही एकमात्र मार्ग बचा है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं मुनिवर, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि केवल आप ही अपने मंत्र योग से इसे सिद्ध कर पाएंगे। माता, अब आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल मुनि अपने मंत्रों से आपके पुत्र को पुनः जीवित कर देंगे। क्या क्या कहा आपने? यही संभव है? मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा? बोलो बालक, ये संभव है? मुनिवर कुछ कहिए ना। हाँ हाँ देवी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो उठेगा। मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। हाँ, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। जीवित हो जाएगा मेरा पुत्र। ये क्या मुनिवर, आपने माता के पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बालानुमान। माता लक्ष्मी आओ। नारद, हनुमान, आपने एक असहाय स्त्री के कष्ट दूर करने के लिए जिस निस्वार्थ भाव से अपने प्राण त्याग दिए, इन निधियों को प्राप्त करने के लिए उसी निस्वार्थ आचरण की आवश्यकता होती है। आप दोनों अपनी परीक्षा में सफल हुए। माते, अब आप ही इन निधियों को संसार में स्थापित करें। अवश्य नारद। प्रभु, हनुमान, नारद, नवनिधियों की संसार में स्थापना कर आप दोनों ने ऐसा कार्य सिद्ध किया है जिससे आने वाले अनंत वर्षों तक पूरा संसार आपको युगों युगों तक धन्यवाद देता रहेगा। प्रभु, ये सब आप ही के तो आशीर्वाद का फल है। क्यों बाल हनुमान? अवश्य मुनिवर। नारायण नारायण।